नमस्कार दोस्तों, मैं समीर सर आपके सामने एक नए वीडियो के साथ में हाजिर हूँ। जैसा कि हमने चर्चा की थी कि हम यहाँ पर लैब असिस्टेंट का एक स्पेशल कोर्स चलाएंगे, तो उसमें हम जो केमिस्ट्री है वो तो हम टॉपिक वाइज थ्योरेटिकल रूप में पढ़ेंगे और ऑब्जेक्टिव भी पढ़ेंगे। इसी प्रकार से बायोलॉजी का जो पोर्शन है वो ज़्यादा लेंथी है, इसलिए हम उसको सिर्फ ऑब्जेक्टिव टाइप में ही पढ़ पाएंगे, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ चुका है और इतना टाइम नहीं मिल पाएगा। तो जो भी स्टूडेंट मेरी क्लास में बायो को पढ़ लेते हैं तो वो तो वहाँ पर थ्योरी पढ़ सकते हैं, लेकिन साथ में जो स्टूडेंट नहीं पढ़ पाते वो सिर्फ हम उनको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ही क्वेश्चनों को सॉल्व कराने की कोशिश करेंगे और कुछ थ्योरी की चर्चा यहाँ पर करेंगे। तो आज से हम बायोलॉजी का पार्ट फर्स्ट पढ़ रहे हैं और यहाँ हम शुरुआत कर रहे हैं सबसे पहले वर्गीकरण से। तो वर्गीकरण का जो हमारा पहला टॉपिक है वो आज रहेगा प्रोटोजोआ संघ। तो प्रोटोजोआ संघ को पढ़ेंगे आज सबसे पहले। तो इसके जितने भी क्वेश्चन हैं, लगभग 125 क्वेश्चन इसमें रहेंगे, तो उन क्वेश्चनों को चर्चा हम यहाँ पर करने वाले हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है आज का हमारा, तो वो है कि अमीबा में कूटपाद का निर्माण होता है। तो अमीबा के अंदर जो कूटपाद का निर्माण होता है वो होता है कोशिका द्रव्य में साल सोल एवं जेल के परिवर्तन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोटोजोआ जंतु की कुंचनशील रिक्तिका क्या करती है। तो जो कुंचनशील रिक्तिका होती है तो उसका कार्य क्या होता है, तो वो करती है जल संतुलन का कार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर थर्ड, यदि एक लवणीय जल में पाए जाने वाले प्रोटोजोआ प्राणी को ताज़ा जल में रखा जाए तो यह क्या होगा, पहले फैलता है फिर सिकुड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमीबा में कूटपाद का निर्माण किस कारण से होता है। तो अमीबा में जो कूटपाद का निर्माण होता है वो होता है कोशिका द्रव के सोल जल परिवर्तन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक ताजे जलीय अमीबा में श्वसन किसके द्वारा होता है, तो ये होता है प्लाज्मा लेमा के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमीबा में नाइट्रोजनी वर्ज्य पदार्थों का बहिष्कार किसके द्वारा होता है, तो वो होता है प्लाज्मा लेमा के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमीबा में भोजन का अंतर्वलन कहलाता है, तो वो होता है जंतुओं के समान। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, दिया गया है कि एक पूर्ण विकसित अमीबा का विभाजन द्विखंडन द्वारा होता है। द्विखंडन के तुरंत बाद दो पुत्री अमीबा का परिणाम होता है, तो जो ऑप्शन डी है वो इसका आंसर होगा, माता अमीबा के आधे से थोड़ा अधिक ये उसका परिमाण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि एक अमीबा को लवणीय जल में रखें तो इसकी संकुंचनशील रिक्तिका पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो वो विलुप्त हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमीबा में भोजधानी का माध्यम होता है, तो पहले अमीबिये फिर क्षारिये। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिकूल परिस्थितियों में अमीबा में प्रजनन होता है, तो वो होता है पुटिका द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब तालाब सूखने लगते हैं तो अमीबा में पुटिका का निर्माण होने लग जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्लाज्मा जेल का प्लाज्मा सोल में परिवर्तन एवं इसकी उल्टी प्रक्रिया का अध्ययन सर्वप्रथम किसने किया था, तो वो किया था हाइमैन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है संकुंचनशील रिक्तिका किस में विद्यमान होती है, तो वो सभी में पाई जाती है, पैरामीशियम में भी, अमीबा में भी और युगलिना में भी, इसलिए आंसर हो जाएगा सभी। इसका ध्यान रखना, युगलिना जो होता है वो जंतु व पादप का की योजक कड़ी मानी जाती है, तो इसमें जंतुओं के भी लक्षण पाए जाते हैं और पादपों के भी लक्षण पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमीबा में जल संतुलन किसके द्वारा होता है, तो ये होता है संकुंचनशील रिक्तिका के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमीबा में द्विखंडन कब होता है,
जब वातावरण अनुकूल हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमीबा को आशुत जल में रखने पर इसकी कुंचनशील रिक्तिका, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, तीव्रता से कार्य करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमीबा के कूटपाद किस कार्य के लिए आवश्यक होते हैं, तो ये पोषण व प्रचलन दोनों के लिए आवश्यक होते हैं। और जो कूटपाद होते हैं उनको सूडोपोडिया या नकली पैर भी कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है कि अमीबा की कुंचनशील रिक्तिका कशेरुक जंतुओं के किस अंग के समजात है, तो जो कुंचनशील रिक्तिका होती है वो कार्य करेगी मूत्रवाहिनी नलिका की तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमीबा में किसके समतुल्य भाग नहीं हैं, तो अमीबा में कंकाल जो है वो नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा अंग केवल प्रोटोजोआ में होता है, तो ये होता है संकुचनशील रिक्तिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैसे अमीबा के कूटपाद होते हैं उसी प्रकार होते हैं, तो कॉकरोच की जो टांगे होती हैं जो चलने के लिए काम में आती है वो, तो कूटपाद मतलब कूट का मतलब नकली, पाद का मतलब पैर, जो नकली पैर या सूडोपोडिया जिन्हें कहते हैं, कूटपाद साधारणतः किसमें बनते हैं, तो ये बनते हैं बहुत से प्रोटोजोआ तथा श्वेत रुधिराणु मतलब WBC में। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि तालाब का जल सूख जाए तो अमीबा में क्या परिवर्तित होगा, तो उसमें पुटी भवन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमीबा के विषय में कौन सी बात सच है, तो अमीबा के विषय में तैरते समय ठोस पदार्थ के स्पर्श के लिए धनात्मक प्रतिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमीबा तथा श्वेत रुधिराणु में समानता होती है, तो अमीबा और श्वेत रुधिराणु दोनों के अंदर कूटपाद बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि अमीबा की भोजन रिक्तिका का माध्यम आरंभ में होता है, तो ये पहले अम्लीय होता है बाद में क्षारीय हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमीबा की संकुचनशील रिक्तिका का संबंध किससे होता है, तो ये होता है जल संतुलन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमीबा में पुटी का निर्माण, तो ये होता है वातावरण की प्रतिकूल परिस्थितियों में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमीबा में कूटपाद आवश्यक होता है, तो ये होता है भोजन ग्रहण और प्रचलन के लिए या गमन करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुंचनशील रिक्तिका होती है, तो ये पाई जाती है अमीबा के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 32, अमीबा में N3 मतलब अमोनिया का उत्सर्जन किस प्रकार से होता है, तो वो होता है प्लाज्मा झिल्ली के द्वारा। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका की एक पुटिका से कितनी अमीबा निकलती है, तो वो निकलती है 8 अमीबा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रचलन करते अमीबा की कुंचनशील धानी किधर दिखाई देती है, तो वो दिखाई देती है पश्च छोर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रचलन के समय अमीबा में अग्र छोर पर सोल का जेल में परिवर्तन तथा पश्च छोर पर जेल का सोल में परिवर्तन किसके द्वारा होता है, तो ये होता है सांद्रता में परिवर्तन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोटोजोआ संघ किस आधार पर 4 वर्गों में विभाजित है, तो ये होता है चलन अंगक संरचना के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमीबा में पोषण होता है, तो वो होता है प्राणी समभोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमीबा की खाद्य धानी किसके समान होती है, तो वो हाइड्रा की जठरवाहिनी गुहा के समान होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि परजीव होते हैं, तो जो परजीव होते हैं जितने भी सजीव होते हैं वे एक कोशिकीय सुकेंद्रकीय होते हैं। दूसरी बात इनमें होती है कि ये सभी स्वपोषी व परपोषी होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोटोजोआ में निम्न में से कौन सा चलन अंगक नहीं होता है, तो ये होता है
पैरापोडिया चलने के लिए कूटवाद भी काम में आते हैं, पक्षमाप भी काम में आते हैं और कसाब भी काम में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन जीव संदिप्ति दर्शाता है? तो जीव संदिप्ति जो है वो दर्शाता है नॉक्टिल्यूका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस प्रोटोजोआ वर्ग के वर्ग में संकुचनशील रिक्ति का पूर्ण रूप से अनुपस्थित होती है? तो वो होता है स्पोरोजोआ में। अब हम बात करेंगे एंटामीबा हिस्टोलिटिका के ऊपर। जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो सारे एंटामीबा हिस्टोलिटिका के होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका कहाँ रहता है? तो ये मनुष्य की क्षुद्र आंत या छोटी आंत में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीबीय पेचिस किसके कारण होता है? तो वो होता है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका कौन सा रोग उत्पन्न करता है? तो उसको हम कहते हैं खूनी पेचिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा परजीवी एक पोषद होता है? तो वो होता है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एंट अमीबा हिस्टोलिटिका मनुष्य की आंत्र का परजीवी है, यदि इसे ताजे जल में रखा जाए तो शीघ्र मर जाएगा, क्यों? क्योंकि इसमें कुंचनशील रिक्तिका नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एंट अमीबा जिंजिबिलिस परजीवी कहाँ पर रहता है? तो ये रहता है मसूड़ों में, मनुष्य के मसूड़ों में, और ये पायरिया नामक रोग उत्पन्न करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंट अमीबा की पुटिका से अंडोद्भेदन के तुरंत बाद कितने युवा अमीबा निकलते हैं? तो वो एक ही निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका अमीबा से किस बात से भिन्न है? तो इसमें कुंचनशील जो रिक्तिका होती है वो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका में नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि एंट अमीबा हिस्टोलिटिका को ताज़ा जल में रखा जाए तो क्या होगा? फूल कर फट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि एंट अमीबा हिस्टोलिटिका की पुटिका कौन फैलाता, कि पुटिकाओं को कौन फैलाता है? तो जो मक्खियाँ होती हैं, घरेलू जो मक्खियाँ होती हैं, वो इनको फैलाने का काम करती हैं, मतलब वाहक का काम करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंट अमीबा के ट्रोफोजोइट का प्रजनन किस प्रकार का होता है? तो वो होता है द्विखंडन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा परजीवी है, निम्न में से कौन सा परजीवी है? तो वो होता है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका में कुंचनशील रिक्तिका नहीं पाई जाती है, ये सही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका मनुष्य का आंत्र परजीवी है जो मिलता है? तो ये हमें मिलेगा ड्यूडिनम में, ड्यूडिनम मतलब छोटे आंत का भाग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी जातियों का जोड़ा एक ही वंश का है? तो ये होता है वाइवैक्स तथा कोलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका कौन से वर्ग में रखा गया है? तो इसको रखा गया है राइजोपोडा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एंट अमीबा हिस्टोलिटिका में कौन सा अंगक अनुपस्थित होता है? तो इसके अंदर कुंचनशील रिक्तिका नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमीबियसिस से बचाव के लिए क्या करना चाहिए? तो अमीबियसिस से बचाव के लिए हमें उबला हुआ पानी पीना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी पीसीज एक ही जीनस की होती है? तो वो हिस्टोलिटिका और कोलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमीबीय पेचिस किससे होता है? तो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एंट अमीबा हिस्टोलिटिका कहाँ रहता है? तो यह रहता है मनुष्य की आंत में, और आंत में कौन सी? छोटी आंत में। तो छोटी आंत के भी तीन भाग होते हैं। यदि हम चर्चा करें छोटी आंत के जो भाग होते हैं, तो पहले भाग को हम कहते हैं ग्रहणी, दूसरे भाग को हम बोलते हैं जेजुनम, और तीसरे भाग को बोलते हैं इलियम।
और गृहिणी को हम बोलते हैं ड्यूडेनम। ड्यूडेनम तो जो ये पाया जाता है, ये पाया जाता है गृहिणी में या ड्यूडेनम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एंटामीबा हिस्टोलिटिका में किस एंटामीबा हिस्टोलिटिका अमीबा से किस बात से भिन्न होता है? तो इसमें कुंचनशील धानी नहीं पाई जाती। एंटामीबा हिस्टोलिटिका एक मानव परजीवी है, यह पाया जाता है आंत में, अभी चर्चा की थी हमने। एंटामीबा हिस्टोलिटिका का संक्रमण अवस्था होती है तो यह होती है चतुष्केंद्रीय पुटिका के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस वर्ग के अंतर्गत परजीवी प्रोटोजोआ आता है? तो आता है स्पोरोजोआ के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आप एंटामीबा द कोलाई को ढूंढना चाहेंगे तो कहाँ ढूंढेंगे? तो ये मिलेगा वृद्धांत में या बड़ी आंत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोनोसिस्टस किस वर्ग से संबंधित है? तो ये होता है ग्रिगेरिनिडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पोरोजोआ के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो ये जो होते हैं ये सभी परजीवी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रिप्नोसोमा से कौन सा रोग होता है? तो निद्रा रोग, इससे बहुत ज़्यादा नींद आती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है मलेरिया ज्वर किसके द्वारा होता है? तो ये होता है प्लाज्मोडियम नामक परजीवी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मलेरिया परजीवी में गैमेटोसाइट कहाँ बनते हैं? तो ये बनते हैं मनुष्य के रुधिर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मलेरिया परजीवी की साइजॉइंट अवस्था कहाँ होती है? तो ये होती है मनुष्य के लाल रुधिर कणिकाओं में, RBC में। किस में कुंचनशील रिक्तिका अनुपस्थित हो सकती है? तो वो होती है प्लाज्मोडियम में भी नहीं पाई जाती। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्लाज्मोडियम के जीवन चक्र में स्पोरोगोनिया अवस्था कहाँ पाई जाती है? तो ये पाई जाती है मच्छर के आमाशय की दीवार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य में लार्वा परजीवी की संक्रमण अवस्था होती है? तो वो होती है स्पोरोजोइट के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलेरिया परजीवी की कौन सी अवस्था मच्छर में पचने से बच जाती है? तो ये होती है गैमेटोसाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लाज्मोडियम में निषेचन के पश्चात चल व सक्रिय युग्मनज कहलाते हैं? तो उनको कहते हैं काइनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लाज्मोडियम कहाँ बनते हैं? तो ये बनेंगे मनुष्य के यकृत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य के शरीर में मच्छर कौन सी अवस्था छोड़ता है? तो ये छोड़ता है स्पोरोजोइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य में फैलने वाली बीमारी कौन सी है? तो इन सब में ये भी नहीं फैलती, ये प्रोटीन की कमी से होती है, ये मीठे की अधिकता से या इंसुलिन हार्मोन की कमी से होती है, और ये है हमारा BP, उच्च रक्तचाप, जिसको BP हाई बोलते हैं, तो ये कोलेस्ट्रॉल के कारण होती है। तो जो फैलने वाली बीमारी है वो है मलेरिया, जो कि प्रोटोजोआ नामक प्लाज्मोडियम से फैलती है और फैलाने के लिए वाहक का काम करता है, तो वो होता है मादा एनोफिलीज मच्छर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे, मलेरिया परजीवी का एनाफ्लिज मच्छर में जीवन चक्र किसने अध्ययन किया था? तो ये क्या था, ग्रोसी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेलुड्रीन तथा मेपाक्रीन दवाएं किस रोग के लिए काम में आती है? तो काम में आती है मलेरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स का उद्भवन काल कितना होता है? तो होता है 10 दिन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी जातियां एक ही वंश की होती हैं? तो वाइवैक्स तथा फैल्सीपेरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि मैंटीग्लैंट मलेरिया कौन सी जाति से है? तो ये होता है प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलेरिया में कपकपी आने का कारण क्या होता है? तो लाल रुधिर कणिकाओं में मेरोज़ोइट तथा टॉक्सिन निकलने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्लाज्मोडियम की संक्रमण अवस्था होती है, तो वो होती है स्पोरोज़ोइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफ्रीकन निद्रा रोग किसके द्वारा होता है? तो वो होता है ट्रिप्नोसोमा गैम्बियंस के द्वारा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, तो इसमें दिया गया है कि निद्रा रोग का वाहक होता है, तो वाहक होता है शीशी मक्खी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रिप्नोसोमा किस वर्ग में आता है? तो यह आता है मैस्ट्रिगोफोरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मलेरिया रोग मुख्य रूप से किसके निकलने से होता है? तो यह होता है मेरोज़ोइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्लाज्मोडियम का साइज़ोइट चक्र कहाँ पर होता है? तो वो होता है मनुष्य के यकृत व लाल रुधिराणु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रिप्नोसोमा में होता है, तो इसमें होता है पॉलीमॉर्फिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर रोनाल्ड रोस ने क्या खोजा था? तो इन्होंने खोजा था मलेरिया रोग का वाहक, जो कि कौन था? मादा एनाफिलीज मच्छर। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि मलेरिया में लाल रुधिराणुओं को नष्ट करने के लिए लाइसोलेसिथिन का श्रावण कहाँ से होता है? तो वो होता है तिल्ली से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मलेरिया के रोगी में सिफनर घुंडियाँ कौन सी कोशिकाओं में बनती है? तो ये बनती है लाल रुधिराणु में या लाल रक्त कणिकाओं में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैसे फेलेरियसिस के लिए क्यूलेक्स है, उसी प्रकार तो चूहे की फ्ली प्लेग के लिए, उसी प्रकार चूहे जो होते हैं वो फ्ली प्लेग के लिए होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम मलेरिया रोग के लाल रुधिराणु में प्लाज्मोडियम किसने देखा? तो सबसे पहले देखा किसने था? लेवरोन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि अफ्रीकन निद्रा रोग किससे होता है? तो यह होता है ट्रिप्नोसोमा गैम्ब्रियनस से तथा गैलोसिना पेल्पेलिस से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तृतीयक मलेरिया किससे होता है? तो ये होता है प्लाज्मोडियम वाइवैक्स से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुके हुए जल पर तेल छिड़कने से मलेरिया नियंत्रण में आ जाता है क्योंकि? तो यहाँ है इसका आंसर कि मच्छर का लार्वा श्वसन नहीं कर पाता और मर जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्लाज्मोडियम का क्रिप्टोमेरोज़ोइट है, क्रिप्टोमेरोज़ोइट जो होता है वो होता है विखंडित जनन का उत्पाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा रोग प्रोटोजोआ से फैलता है? तो वो होता है मलेरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलेरिया परजीवी होता है? तो होता है डाइजेनेटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिग्नेट मुद्रिका अवस्था प्लाज्मोडियम की कहाँ मिलती है? तो मिलती है मनुष्य की आरबीसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस व्यक्ति ने खोजा था कि मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम से मलेरिया होता है? तो ये खोजा था चार्ल्स लेवरोन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सेरिब्रल मलेरिया किससे होता है? तो ये होता है प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मच्छर के काटने के कितने समय बाद रोगी को मलेरिया ज्वर महसूस होता है? तो वो होता है 10 से 20 दिन बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मलेरिया में विषैले पदार्थ हीमोज्वाइन किससे बनते हैं? तो ये बनते हैं आरबीसी की रंजक से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीसी की हीमोग्लोबिन की
प्रोटियोलाइसिस से बने विषैले पदार्थ क्या कहलाते हैं? तो उन्हें कहते हैं हम हीमोज्वाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहिकसाभन का निर्माण मलेरिया परजीवी में किसके बनते समय होते हैं? तो ये बनते हैं शुक्राणु के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्लाज्मोडियम मलेरी से होता है, तो इससे होता है क्वार्टन मलेरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन मैस्टिगोफोरा गण में रखा गया है? तो उसे रखा गया है ट्राइपेनोसोमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य की लाल रुधिराणु में मौरर कण देखे गए वह संक्रमित होता है? तो प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काला अजार किससे के द्वारा फैलता है? तो ये फैलता है लिस्मैनिका डोनोवाइनी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन दिया गया है कि प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम से कौन सा मलेरिया होता है? तो वो होता है दुर्दम तृतीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्लाज्मोडियम द्वारा उत्पन्न सफनर कण होते हैं? तो ये होते हैं प्रतिजन या एंटीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्लाज्मोडियम की स्पोरोगोनिया के पश्चात क्या होता है? तो अन्नपुट में स्पोरोजोइट का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उशिष्ट बनते हैं? तो ये बनते हैं मच्छर की आमाशय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मलेरिया ज्वर में कपकपी तथा शरीर में दर्द किस समय होता है? तो ये होता है लाल रुधिराणु से मुक्त होने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? तो ये सुमेलित है गैनोसिना प्लस पल्पेलिस, निद्रा रोग के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट ऑप्शन दे रखा है क्यूलेक्स पाइपेंस, तो ये होता है पाइलेरियसिस के लिए। नेक्स्ट है एंडिज एंजिप्टी, ये पित्तज्वर के लिए उत्तरदायी होता है, ये वाहक होता है। और लास्ट जो दिया गया है ये सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस एक कोशिकीय जीव में एक केंद्रक के पोषण कार्य गुरु केंद्रक पोषण कार्य के लिए तथा एक से अधिक सूक्ष्म केंद्रक जनन के लिए पाए जाते हैं? तो वो पाए जाते हैं पैरामीशियम में। नेक्स्ट एंड आज का लास्ट क्वेश्चन है कि ट्रिप्नोसोमा नॉक्टिल्यूका मोनोसिस्टस तथा जियार्डिया में सामान है? तो ये सभी एक कोशिकीय प्रोटिस्ट है। तो आज के टॉपिक में हम इतने ही क्वेश्चनों को कवर करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक में हम नेक्स्ट संघ की चर्चा करेंगे। तो हम हर रोज़ एक एक संघ को पढ़ते चलेंगे। तो ये सभी जो क्वेश्चंस हैं ये लैब असिस्टेंट के जो पेपर हमारा नज़दीक आ रहे हैं उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो कृपया करके इन सभी क्वेश्चनों को अच्छे तरीके से देख लें। और मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोगों ने मेरा जो चैनल है वो सब्सक्राइब कर लिया होगा। और कृपया करके हर वीडियो को लाइक भी करें ताकि उनको देखने से हमारा मनोबल बढ़ता रहे और हम ज़्यादा से अच्छे वीडियो तैयार करते रहें और आप लोगों के बीच में लाते रहें। धन्यवाद दोस्तों।